आप सभी का मेरे YouTube चैनल लाइट्स कैमरा एक्शन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो इंट्रो से रिलेटेड है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन की मदद से, जी हाँ, सिर्फ एक एप्लीकेशन की मदद से कैसे ही बहुत से अट्रैक्टिव इंट्रोज बना पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक ऐप इंस्टॉल करना है। उस ऐप का नाम अभी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐप है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको किसी भी कंटेंट के लिए पे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आप इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे से इंट्रोज बना पाएंगे। और उन इंट्रो में आप टेक्स्ट डालना चाहें टेक्स्ट डाल लीजिए, फ़ोटोज़ डालना चाहें फ़ोटोज़ डाल लीजिए, वीडियोज़, सॉन्ग्स, एनीथिंग यू वॉन्ट। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसे बहुत से प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐसे ऐप पहले से ही प्ले स्टोर में मौजूद हैं जो कि आपको स्लाइड शो बना के देते हैं, लेकिन वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती कि हम उसका इस्तेमाल किसी कमर्शियल पर्पज़ से कर सकें या अपने वीडियोज़ में या अपने इंट्रोज़ में कैसे भी उसको किसी भी तरीके से उसका यूज़ कर सकें या किसी को दिखा सकें। ठीक है दोस्तों, तो आपका समय ज़्यादा ख़राब ना करते हुए मैं सीधा प्रोसेस की तरफ चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको क्या क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने प्ले स्टोर में, उसे ओपन करते हैं और प्ले स्टोर में आने के बाद इस सर्च बॉक्स में सर्च करते हैं एनीमोटो वीडियो मेकर। दोस्तों, कई लोग इसे सिर्फ एनीमोटो भी कहते हैं, बट इसका पूरा नाम एनीमोटो वीडियो मेकर है। तो देखिए, ये फर्स्ट नंबर पे आ गया है एनीमोटो वीडियो मेकर, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं सिर्फ यहाँ से आपको डायरेक्ट ओपन करके बताऊँगा कि कैसे आपको इंट्रो क्रिएट करना है, क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वहाँ पर एक लिंक दी गई है, उस पर क्लिक कीजिए और इसे डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, ये ओपन हो चुका है और ये होम पेज है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है माय वीडियोस, यानी वो वीडियोस जो हमने या आपने एनीमोटो में क्रिएट किया हुआ है। तो जो आप क्रिएट करते हैं वो इस पेज पे आके आपको शो करता है। ठीक है, तो अभी मैंने ना तो इसमें लॉगिन किया हुआ है और ना ही कोई वीडियो क्रिएट की हुई है। दोस्तों, आई थिंक आपने सोचा होगा कि लॉगिन क्या, लॉगिन करने की ज़रूरत क्यों है, हम ऐसे भी तो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि लॉगिन इसमें मस्ट है, क्योंकि बिना लॉगिन किए हुए आप इसमें काम कर लेंगे, इंट्रो बना लेंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन आप उसे डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और ना ही उसे शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको साइनअप करने का जो भी प्रोसेस है वो बता देता हूँ। साइनअप के लिए आपको इस ड्रैग ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको ये तीन ऑप्शन देता है, लॉगिन, साइनअप एंड सेटिंग। तो फटाफट से साइनअप पे क्लिक कीजिए। देखिए कितनी बेसिक सी इसकी रिक्वायरमेंट है, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मांगता है आपको साइनअप के लिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो सबका कॉमन है, सभी के पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है। एंड देन ईमेल मांगता है, और जो भी आप पासवर्ड चूज़ करना चाहें वो आप चूज़ करके यहाँ पे साइनअप के बटन पे क्लिक कर दीजिए, आप साइनअप हो जाएंगे। उसके बाद आप डायरेक्टली लॉगिन करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से साइनअप नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वन क्लिक में आप साइनअप कर जाएं, तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है, साइनअप विथ फेसबुक। तो इस पर भी आप साइनअप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी साइनअप कर लिया है इसमें, तो मैं आपको लॉगिन करके और आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसमें और यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। एंड देन पासवर्ड डालने के बाद मैंने इसमें लॉगिन कर लिया है, देखिए। और मैंने आपको बताया था ना कि मैंने इसमें कोई भी अभी तक जो इंट्रो है या कह लीजिए वीडियो है वो क्रिएट नहीं किया है, इसलिए ये ब्लैंक शो कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है योर वीडियो विल अपीयर हियर, यानी कि जो वीडियो आप बनाएंगे वो यहाँ पे ये दिखाएगा। ठीक है, तो अब फटाफट से जो मेन मुद्दा है हमारा इंट्रो बनाने का, उसमें क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो हम देख लेते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, एक तो ये आपको मैंने बताया साइनअप वगैरह लॉग आउट करने के लिए जो भी है,
और देन यहाँ पे ऐड का बटन आ रहा है, तो इस ऐड पे हमें क्लिक करना है। तो देखिए ये इसने एक मेन्यू सी खोल दी है जिसमें वो कुछ फ्यू स्टेप्स बता रहा है और टिप्स दे रहा है, तो हम स्टेप्स पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए फर्स्ट नंबर पे ये कह रहा है कि ऐड अ स्टाइल एंड सॉन्ग, एक आप स्टाइल चूज़ कर लीजिए, एक सॉन्ग जो भी आपको पसंद हो, एंड देन उसमें फ़ोटोज़ डाल लीजिए, वीडियो क्लिप्स डाल लीजिए एंड टेक्स्ट डाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों चीज़ें डालें, मेरा कहने का मतलब वीडियोज़ और फ़ोटोज़, आप सिर्फ वीडियो से भी इंट्रो बना सकते हैं और ये वीडियो सॉरी आप फोटोज से भी इंट्रो बना सकते हैं और वीडियो ये एडिशनल है। ठीक है, एंड देन ये सारा करने के बाद आपको आप अपने प्रीव्यू भी देख सकते हैं वीडियो का, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे प्रोड्यूस कर लीजिए। ठीक है, तो फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। देखिए इस ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये देखिए पेंसिल है, इस पे क्रिएट का क्रिएट ऑप्शन है, इस पे क्रिएट करने के लिए करना होता है। तो देखिए यहाँ पे ये चेंज स्टाइल कह रहा है, चेंज सॉन्ग, ऐड फोटोज़ एंड वीडियो क्लिप्स एंड ऐड टेक्स्ट, तो हम चेंज स्टाइल पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी इसमें स्टाइल्स हैं, देखिए, और दोस्तों सब फ्री हैं, किसी के लिए भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और इस पे काम स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये फायरवर्क्स, इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो पहले देख भी सकते हैं इस आइकन पे क्लिक करके प्ले के बटन पे कि ये कैसा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे सिंपली से सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए ये सेलेक्ट हो चुका है और इसे आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो देखिए हमारा जो स्टाइल है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं इसमें एक सॉन्ग डाल देता हूँ, तो ये रहा सॉन्ग, तो ये देखिए पहले से ही इसमें कुछ सॉन्ग अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी का कुछ हो इसमें, तो आप यहाँ माई म्यूज़िक पे जाइए और यहाँ से कुछ सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों ये सॉन्ग वो हैं जो आपके फ़ोन में पहले से हैं, तो मैं यहाँ पे इसी में से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ये स्माइल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब दोस्तों हमें फ़ोटोज़ डालनी हैं, तो ऐड फोटोज़ एंड वीडियो क्लिप्स पे क्लिक करके हम फ़ोटोज़ डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको फ़ोटोज़ डालना सिखा देता हूँ। आप ऐसे स्लाइड करके फटाफट से जिस भी आपके फोल्डर में मटेरियल है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ मेरा यूसी डाउनलोड में है, तो मैं यहाँ पे ये देखिए ये धीरे धीरे लोड होंगी, इसमें 2 या 3 मिनट लग जाता है, तो इसके लिए आप परेशान ना हो, तो तब तक हम वेट कर लेते हैं जब तक ये लोड नहीं होती। ये देखिए हमारी फ़ोटोज़ शो होनी शुरू हो गई हैं, तो इसमें से मैं मैक्सिमम 3 या 4 जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप जितनी मर्जी चाहें उतनी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं ये फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसे फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब मैं इसमें फाइनल जो हमारा स्टेप बचता है वो है ऐड टेक्स्ट का, तो मैं यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये कह रहा है एंटर टाइटल, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये वो टाइटल की बात कर रहा है, यानी जो आप ये देख रहे हैं टाइटल और सब टाइटल, तो बेसिकली ये टाइटल और सब टाइटल वो हैं जो आप वीडियो के अंदर शो कराना चाहते हैं, यानी आप जो वीडियो में दिखाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी आपका मैटर है, जो भी आपका कंटेंट है, उसके हिसाब से आप टाइटल लिख लीजिए। मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम दे देता हूँ, लाइट्स कैमरा एक्शन, एंड देन यहाँ पे सब टाइटल डाल देता हूँ, ट्रिक्स टिप्स एंड रिव्यू, तो ये डन कर देता हूँ। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ और आती है कि हम इन फ़ोटोज़ को किस सीक्वेंस में दिखाना चाहते हैं अपने वीडियोस के अंदर। ठीक है दोस्तों, आप जैसा यहाँ सेलेक्ट करेंगे ये वैसा ही वीडियो में दिखाएगा, तो इसको बहुत ही इजी है सेलेक्ट करना, सीक्वेंस में लाना। ये देखिए आप जिसको भी फर्स्ट नंबर पे लेके आना चाहते हैं या सेकंड नंबर पे, तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, इस तरीके से उठाइए और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो ये मेरे हिसाब से जो मेरा कंटेंट है वो सेट हो चुका है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट है वो है क्रिएट का, तो मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए ये क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे कह रहा है कि आप एक वीडियो का टाइटल दे दीजिए, तो मैं यहाँ पे इंट्रो डाल देता हूँ और मैं इसे स्किप कर देता हूँ, सीधा हम इसे क्रिएट कर देते हैं। आप चाहे तो वहाँ देख भी सकते हैं उसका प्रीव्यू, मैंने प्रीव्यू स्किप कर दिया है। तो देखिए ये इंट्रो
प्रोड्यूसिंग हो रहा है। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया कि बिना लॉगिन किए हुए आप ना इसमें डाउनलोड कर पाएंगे इसे और ना शेयर। तो जब ये वीडियो बन जाएगी तो आप सिंपली यहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और डिलीट का भी एक ऑप्शन है, अगर आपको पसंद ना आई हो, आपको लग रहा हो कि कुछ कमी रह गई, तो आप उसे डिलीट करके दोबारा से रिक्रिएट कर लीजिए कोई और सा स्टाइल सेलेक्ट करके, अपनी जो भी फ़ोटोज़ हैं उसे सेलेक्ट करके। तो ये प्रोड्यूस हो रही हैं, इसे एक या दो मिनट लगता है पर ये फिर यहाँ पे शो कर देगा। तो तब तक हम वेट कर लेते हैं, जब तक ये देखिए मेरे वेट करने का भी इसने इंतज़ार नहीं किया और इसने शो करा दिया कि हाँ जी हाँ आपकी जो वीडियो है वो बन चुकी है। ठीक है, तो मैं अब इसे प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये बनी कैसे है। मैं इसे गैलरी से प्ले कर देता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने हमारी इंट्रो, हमारी वीडियो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। अब इसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। देखिए इस पे क्लिक कीजिए और ये ऑप्शन दिखाता है प्ले, शेयर, डाउनलोड एंड डिलीट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने एक ऐप की मदद से अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंट्रो बना लिया। तो ये प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाता है एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। दोस्तों एक चीज़ की माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो इतनी लंबी बनी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसे शॉर्ट में समझा पाऊँ बट मैं इसे शॉर्ट में समझा नहीं पाया। अगर मैं शॉर्ट में समझाता तो कुछ ना कुछ बातें रह जाती जिससे आपको प्रॉब्लम होती और आप इसे समझ नहीं पाते। तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और भी ऐसी अच्छी अच्छी आपके लिए ट्यूटोरियल्स डाल सकूं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।